जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को हुए आतंकवादी हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया है। शहीदों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। श्रीनगर के जेवान में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 14 घायल हुए थे। बस में करीब 25 पुलिसकर्मी सवार थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। सोमवार शाम पंथल चौक क्षेत्र के जेवान में 25 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी थी। हमले में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें कल अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया और इनमें से 2 ने सोमवार को दम तोड़ दिया। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों को ले जा रही बस पर पहले से ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया, गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी ऑन द स्पॉट ही शहीद हो गए, जबकि आज 1 ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कई पुलिसकर्मी गंभीर भी बताए जा रहे हैं।